अख़वातीन हज़रात, मैं जिस शायर को अब ज़हमत देने जा रहा हूँ, मेरे ख़्याल से उनको तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ दो बार तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका नाम ही काफ़ी है तारुफ़ के लिए, जनाब सागर खयामी साहब। मैं मुख्तलिफ़ मौजूआत पर बंद और कतः सुनाऊँगा। ये चार मिसरे दिल्ली की बढ़ती हुई आबादियों और सड़कों पर लगे हुए जामों के नाम। ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, कहाँ से सीखी अदा तूने दुम दबाने की। वो बोला दुम के दबाने को बुजदिली न समझ, जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की। ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, कहाँ से सीखी अदा तूने दुम दबाने की। वो बोला दुम के दबाने को बुजदिली न समझ, जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की। देखिए, जब हम लोग कोई सौदा खरीदते हैं तो ये पूछते हैं कि ये केले कैसे दिए, सेब कैसे दिए। यहीं से कता के कहा ये कान में अंडा परोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। कहा ये कान में अंडा परोश के हमने, ये अंडे कैसे दिए हैं हमें भी बतलाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाएं। बिगड़ के कहने लगा वो दिए का क्या मतलब, तरीका पूछ रहे हैं कि भाव फरमाए। देखिए, जवानी में लोग अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन वही तस्वीरें जब उनके बच्चे देखते हैं तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते। वो चार मिसरे, कहा बेटे ने एक तस्वीर अपनी माँ को दिखलाकर, कहा बेटे ने एक तस्वीर अपनी माँ को दिखलाकर, ये किसने नाम मेरे बाप का फोटो पर लिखा है। वो बोली ये तुम्हारे बाप हैं। बेटे ने पूछा फिर तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है। कहा बेटे ने एक तस्वीर अपनी माँ को दिखलाकर, ये किसने नाम मेरे बाप का फोटो पर लिखा है। वो बोली ये तुम्हारे बाप हैं। बेटे ने पूछा फिर तुम्हारे साथ कमरे में वो गंजा कौन रहता है। दिल्ली में अभी आमों का मेला लगा था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से आम आए थे, तो वहाँ एक मुशायरा भी था, तो मैंने आमों की तारीफ में चार मिसरे कहे आपकी खिदमत में पेश, के तजुर्बा है हमें मोहब्बत का, तजुर्बा है हमें मोहब्बत का, दिल हसीनों से प्यार करता है। आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पर कौन मरता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तजुर्बा है हमें मोहब्बत का, दिल हसीनों से प्यार करता है। आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पा कौन मरता है। अभी जद्दे में मुशायरे थे, तो एक अच्छी खासी मोटी ताजी शायरा जीने पर से गिर गई।
तो पूरे जितने लोग थे सब दौड़े उनको उठाने के लिए, और शायर अगर आसमान पर से भी गिरता तो कोई ना आता, उठे हो। हर शख्स ये पूछ रहा था कि आपकी कमर में तो चोट नहीं आई? ये चार मिसरे वहीं से कि हम तो शायर हैं जो पत्थर को गुहर कहते हैं, कल चिड़ी को भी मोहब्बत में कमर कहते हैं। इश्क इंसान को दीवाना बना देता है, लोग कमरे को मोहब्बत में कमर कहते हैं। इश्क इंसान को दीवाना बना देता है, लोग कमरे को मोहब्बत में कमर कहते हैं। पहना के मुझको चप्पलें बोला ये सेल्समैन, पहना के मुझको चप्पलें बोला ये सेल्समैन, मजबूत किस कदर हैं मुकद्दर पर छोड़ दें। कहता हूं पायदार हैं ये जूतियां मगर भादी का क्या कि एक ही घंटे में तोड़ दे। कहता हूं पायदार हैं ये जूतियां मगर भाभी का क्या। देखिए दिल्ली में अभी 5-6 महीने पहले 150 रुपए किलो नमक हो गया था, तो मैंने चार मिसरे कहे, कहां निकलती हैं नमकीन सूरतें घर से। कहां निकलती हैं नमकीन सूरतें घर से, नमक की शहर में कीमत जो चढ़ गई प्यारे। नमक हलालों की यूं ही कमी थी दुनिया में, नमक हरामों की औकात बढ़ गई प्यारे। नमक हलालों की यूं ही कमी थी दुनिया में, नमक हरामों की औकात बढ़ गई प्यारे। अभी दिल्ली में एक मुशायरा था, हमारे एक शायर हैं जिनका तखल्लुस है पापा, वो तकरीबन 80 बरस के होंगे, ये बड़ी दाढ़ी और बाल बाल वैसे, लेकिन वो इश्किया शेर बहुत कहते हैं, तो लोग तफरी लेते हैं कि 80 साल की उम्र में वो जवान हैं। तो ये चार मिसरे मैंने उन्हीं की खिदमत में पेश किए। बोली बेगम मेरी पड़ोसन से, तखल्लुस का ख्याल रखिएगा पापा, बोली बेगम मेरी पड़ोसन से, लड़कियां छेड़ने के आदि हैं। वो क्या बताएं बहन जमाने में, पहले पापा हैं जो के पापी हैं। क्या बताएं बहन जमाने में, पहले पापा हैं जो के पापी हैं। अभी हफ्ता भर पहले ऑस्ट्रेलिया में था, वो सिडनी में था, तो लोग ये कह रहे थे कि साहब सिडनी पर कोई खतरा ज़रूर होगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में माशाल्लाह से काफ़ी हुस्न है, लेकिन इस कते को आप लोग तंज़ में ना लें, ये पूरा कता जो है वो मिज़ाहिया है, आप मुलाहज़ा फरमाएं। सिडनी आकर पता चला सागर, जब लड़ी आंख इन हसीनों से, 60 बरसों से अपने मुल्क में हम इश्क फरमा रहे हैं भैंसों से। सिडनी आकर पता चला सागर, जब लड़ी आंख इन हसीनों से, 60 बरसों से अपने मुल्क में हम इश्क फरमा रहे हैं भैंसों से। ये चार मिसरे आपकी भी खिदमत में के जिंदगी गुजरी बेकरारी में, दिन भी देखेंगे अब करार के लोग, वो चारा चरते कहां तलक सागर, राबड़ी खाएंगे बिहार के लोग। वाह वाह वाह, चारा चरते कहां तलक सागर,
राबड़ी खाएंगे बिहार के लोग। जब हमारे यहाँ ट्रैफिक कांस्टेबल कुछ कम वम हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो जो स्कूल की लड़कियां हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल संभालती हैं, ये चार मिसरे कंट्रोल कर रही थी ट्रैफिक का लड़कियां, तादाद हादिसात की कुछ और बढ़ गई, हालत खराब हो गई हर राहगीर की, एक बस सुना है तीसरी मंजिल पर चढ़ गई, एक बस सुना है तीसरी मंजिल पर चढ़ गई। देखिए यहाँ से इस स्टेज से मतलब नहीं, यहाँ तो सब अजीम शोराए किराम मौजूद हैं और गज़ल में तरन्नुम जो है गज़ल की जान होता है, लेकिन बहुत से हिंदुस्तान में शायर ऐसे हैं कि जिनके शेर तो अच्छे होते नहीं, बस गायकी गायकी होती है, उनके नाम ये चार मिसरे। बगैर सुई के कुर्ता तुरप नहीं सकता, बगैर आब के पौधा पनप नहीं सकता, मेरा ख्याल है गजलों में रंग पैदा कर, ये टेटुआ तो किताबों में छप नहीं सकता। मेरा ख्याल है गजलों में रंग पैदा कर, ये टेटुआ तो किताबों में छप नहीं सकता। उर्दू पर यह भी इल्ज़ाम है कि मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन इस स्टेज पर भी उर्दू के सबसे बड़े मददगार और हामी और सिपाही गोपीचंद नारंग साहब मौजूद हैं। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान शायर हैं उससे ज़्यादा अहले हुनूत सिख ईसाई शायर हैं, और बग़ैर उन लोगों के तस्करों के उर्दू गज़ल की कोई तारीख भी नहीं लिखी जा सकती। आप फिराक गोरखपुरी नरेश कुमार शाद को छोड़ के आप किसी भी गज़ल की कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। मौलाना फरमाएं कि क्यों क्यों हमारे खून को पानी किए देते हैं आप, क्यों हमारे खून को पानी किए देते हैं आप, दोस्तों को दुश्मने जानी किए देते हैं आप, वो ज़बां जो है फिराको शादो शंकर की ज़बां, उस ज़बां की क्यों मुसलमानी किए देते हैं आप। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वो ज़बां क्यों हमारे खून क्यों हमारे खून को पानी किए देते हैं आप, दोस्तों को दुश्मने जानी किए देते हैं आप, वो ज़बां जो है फिराको शादो शंकर की ज़बां, उस ज़बां की क्यों मुसलमानी किए देते हैं आप। एक कते की फरमाइश है, वो सुन लिया आप, बराबर सुन भी रहा हूँ, सुबह से आ रहा है वही, लेकिन फिर भी फरमाइश है। देहरी की दुकानों पर निकली है तो दुकानदार घेर लेते हैं, ये ले लो वो ले लो वो ले लो, जाना कहीं रास्ता रोक के खड़े हो गए। मैंने ऐसी चीज़ मांगी कि उसके पास नहीं होगी मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन वो भी थी। बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पकाओगे या लेके जाओगे। बोला यहीं पकाओगे या लेके। इस नज्म का उन्वान है यादश बखैर, वो बिल्कुल नई नज्म है। ख्याल यूं है कि हमारे ज़माने में जो इश्क लड़ते थे वो धमाका खेज इश्क होते थे, लेकिन कानो कान किसी को खबर नहीं होती थी। होता ये था कि इसी इनकिसारी में और परेशानी में लड़की की शादी कहीं और हो जाती थी, लड़के की शादी कहीं और हो जाती थी। और पार्टीशन में सबसे बड़ा ये किस्सा हुआ कि एकदम हिंदुस्तान बट गया, लड़कियाँ इधर लड़के उधर चले गए। तो ऐसी हमारी भी शादी जो हादिसाई हो गई, उसके लिए भी एक बंद मैं आपको सुना दूं जो सुना चुका हूं। मेरी बीवी की शादी पहले एक मौलाना से ठहरी थी, उनके साथ नहीं हुई, मेरे साथ हुई।
लेकिन हमारा निकाह उन्हीं मौलाना ने पढ़ा जिनके साथ शादी ठहरी। तो हमारी भी ये कह रही थी कि इतने दिन शादी को हो गए उसके बाद भी लड़ाई हो जाती है, तो मैंने इसकी वजह क्या है, तो मैंने ये 6 मिसरे पढ़े कि बेगम ने पूछा हमसे के अए सागरे बहार, 25 साल हो गए शादी को मैं निसार, लेकिन है गर्म आज भी मैदान कारजार, वो परवान क्यों चढ़ा न बताओ हमारा प्यार। हमने कहा कि मौलवी साहब मिजाह में क्या पढ़ गए तलाक का सीगा निकाह में। तो आपने इस कदर से अंदाजा लगा लिया होगा कि हम भी कहीं और चाहते थे, मसला खराब हो गया। तो ये है कि उस जमाने की लड़कियां भी ऐसी होती थी कि किसी से कुछ नहीं कहती थी, लड़के भी ऐसे होते थे कि जिक्र नहीं करते थे। आज तो इश्क शुरू हुआ और मालूम हुआ कि लड़का जो थाने पकड़ा हुआ है। ये एक एक बन आपकी खिदमत में अहले इल्म दानिश का मजमा, और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं गोपी चंद नारंग साहब। मौलाना फरमाएं कि कम ख्वाब से बदन वो रेशमी अदाएं, सोजे दुरू से जलना दागों का धाएं धाएं, उठते हैं और शोले फूकों से जो बुझाएं, कैसा था वो जमाना कैसे तुम्हें बताएं, पर्दे पड़े हुए हैं यादों की खिड़कियों पर, ता हाल मर रहा हूं माजी की लड़कियों पर, ता हाल मर रहा हूं माजी की लड़कियों पर, मेंढी के चोर जकड़े उन गोरी मुट्ठियों में, सोने का एक कलम था चांदी की उंगलियों में, लिखे थे खत जो उसने गर्मी की छुट्टियों में, रखते हैं गर्म दिल को शिद्दत की सर्दियों में, महका हुआ शगुफा जैसे किसी चमन का, क्या जायका बताएं उस बेसनी बदन का। अब यहां से नज्म देखें कि सागर किसे सुनाएं ये इश्क का फसाना, आहट जरा सी पाना कोठे पर दौड़ाना, उठा कुछ इस तरह फिर दोनों का आबोदाना, अब गैर का नशैमन उसका है आशियाना, कब खैरियत से गुजरे दिन अपनी आशिकी के, अम्मी है वो किसी की अब्बू है हम किसी के, कब खैरियत से गुजरे दिन अपनी आशिकी के, अम्मी है वो किसी की अब्बू हैं हम किसी के, पिंडली वो गोरी गोरी पायल वो सादी सादी, हमसे मोहब्बतें की और की किसी से शादी, दोनों की किस्मतों में लिखी थी नामुरादी, रानी है वो किसी की इस दिल की शाहजादी, रस्ते मोहब्बतों के काटे हैं बिल्लियों ने, हम जैसे कितने अब्बू मारे हैं अम्मियों ने, हम जैसे कितने अब्बू मारे हैं अम्मियों ने, खास तौर से ये बंद कि अब भी है याद दिल को वो इश्क का जमाना, वो चांद सी हथेली वो पान का बनाना, चूना कभी लगाना कत्था कभी लगाना, और चुटकी से फिर पकड़ के मेरी तरफ बढ़ाना, उस पान का न उतरा सर से जुनून अब तक, खाई थी ये गिलौरी थूका है खून अब तक। अब भी है याद दिल को वो इश्क का जमाना, वो चांद सी हथेली वो पान का बनाना, चूना कभी लगाना कत्था कभी लगाना, चुटकी से फिर पकड़ के मेरी तरफ बढ़ाना, उस पान का न उतरा सर से जुनून अब तक, खाई थी एक गिलौरी थूका है खून अब तक,
ऐसे लोग अगर कभी मिल जाएं, वो अपने बच्चों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ, तो क्या शर्मिंदगी होती है। मुलादा फरमाएं कि होंठों पर मुस्कुराहट, आंखें बुझी बुझी हैं, बिजली गिरी है दिल पर वो जब कहीं मिली हैं, हम कौन से हैं जिंदा वो भी तो मर चुकी हैं, हम भी हैं अब नमाजी और वो भी मुत्तकी हैं, हम भी हैं अब नमाजी और वो भी मुत्तकी हैं, पहलू में रखे तकिए बिरहा की रात खुश हैं, हम दोनों अपने अपने बच्चों के साथ खुश हैं। देखिए, मेडिकल साइंस जो है वो काफ़ी तरक्की कर रही है। दिल्ली में खबर आई कि अब मर्दों से भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि अब बीवी ये जहमत मुझी को देंगी, वो क्यों बर्दाश्त करेंगी। तो ये मैंने दो मुसलसल बंद कहे कि माबूद हो रहा है तरक्की का कैसा नास, दरिया बुझा सके न तेरे आदमी की प्यास, छाएगा अब न सूरत आशिक पर रंगे यास, अब फूल उड़ के आएंगे भौरे के आसपास, और निकलेगी शीरी हाथ में तेशा लिए हुए, फरहाद होगा गोद में बच्चा लिए हुए। माबूद हो रहा है तरक्की का कैसा नास, दरिया बुझा सके न तेरे आदमी की प्यास, छाएगा अब न सूरत आशिक पर रंगे यास, अब फूल उड़ के आएंगे भौरे के आसपास, निकलेगी शीरी हाथ में तेशा लिए हुए, फरहाद होगा गोद में बच्चा लिए हुए। अब अगर ये शायरों के साथ हुआ तो क्या होगा कि क्या थी खबर हयात में ये दिन भी आएंगे, शायर घरों में बैठ के बच्चे खिलाएंगे, सागर मुशायरे में धमाके से जाएंगे, और दफ्तर से 3 माह की छुट्टी जो पाएंगे। सागर मुशायरे में धमाके से जाएंगे, दफ्तर से 3 माह की छुट्टी जो पाएंगे, कल शब बवक्ते शेर ये तब्दीलियां हुई, मतला तो एक भी ना हुआ मतलियां हुई। क्या थी खबर हयात में ये दिन भी आएंगे, शायर घरों पर बैठ के बच्चे खिलाएंगे, सागर मुशायरे में धमाके से जाएंगे, दफ्तर से 3 माह की छुट्टी जो पाएंगे, कल शब बवक्ते शेर ये तब्दीलियां हुई, मतला तो एक भी ना हुआ मतलियां हुई। देखिए, एक जमाने में शेर ऐसे कहे जाते कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब अगर आजकल दोनों तरफ आग बराबर लग गया तो काफ़ी परेशानियां हो जाएंगी। मुलायदा फरमाएं कि इश्क का खेल कोई खेल तमाशा भी नहीं, ऐसा उन्वान है जिसकी परिभाषा भी नहीं, परिभाषा डिफिनेशन, ऐसा उन्वान है जिसकी परिभाषा भी नहीं, जिंदगी चैन से गुजरेगी ये आशा भी नहीं, हुस्न तोला है कभी और कभी माशा भी नहीं, इश्क जो एक तरफ हो तो मजा देता है वरना बच्चों की ये तादाद बढ़ा देता है, इश्क जो एक तरफ हो तो मजा देता है वरना बच्चों की ये तादाद बढ़ा देता है,
ये हमको तरक्कियों ने ये कैसा बना दिया, दिल सी यतीम चीज का भुरता बना दिया, बच्चों को बचपने में ही बुढ़ा बना दिया, डिब्बे का दूध देने से डिब्बा बना दिया, बच्चे भी सूखे दूध को अच्छा बताते हैं, अब्बा का नाम पूछो तो डिब्बा बताते हैं। बच्चे भी सूखे दूध अच्छा बताते हैं, अब्बा का नाम पूछो तो डिब्बा बताते हैं। देखिए अल्लाह ने हर आदमी को जज्बे इश्क अता किया है, अब अगर कोई उसका इस्तेमाल नहीं करता या तो वो बीमार है या फिर उसको मौका नहीं मिला। मौलाना फरमाए कि हर दिल के आईने में कलीसा है इश्क का, हर जहन में जनाब फलीता है इश्क का, शैतान नामुराद भतीजा है इश्क का, वो औलाद का नुजूल नतीजा है इश्क का, वो पत्थर है आंख वो जो किसी से लड़ी न हो, वो इश्क क्या है जिसमें के खटिया खड़ी ना हो। वाह वाह वाह, खटिया खड़ी क्या है, वाह वाह वाह, जिसमें के खटिया खड़ी न हो। हम तो कहते हैं वही दौर बहुत चंगा था फसादों का चलन और ना कहीं दंगा था, ना तो बिल्ला था कोई और ना कोई रंगा था, बेलिबासी में भी इंसान कहां नंगा था, बेलिबासी में भी इंसान कहां नंगा था, बेलिबासी में भी इंसान कहां नंगा था। आदमी बनता नहीं जामा पहन लेने से, मुर्ग मुल्ला नहीं होता है अजा देने से, मुर्ग मुल्ला नहीं होता है आजाद। हम तो कहते हैं वही दौर बहुत चंगा था फसादों का चलन और न कहीं दंगा था, ना तो बिल्ला था कोई और ना कोई रंगा था, बेलिबासी में भी इंसान कहां नंगा था। आदमी बनता नहीं जामा पहन लेने से, मुर्ग मुल्ला नहीं होता है अजा देने से। देखिए अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई थी, है ना, वही छह मिसरों में कि कंदीले आफ्ताब फलक पर जलाई है, फूलों से पत्तियों से ये धरती सजाई है, जमना कहीं प्यार की गंगा बहाई है, दुनिया बराए इश्क खुदा ने बनाई है। ये जान लो जमी पर जो बलवा मचाएगा अल्लाह उसको हश्र में मुर्गा बनाएगा। ये जान लो जमी पर जो बलवा मचाएगा अल्लाह उसको हश्र में मुर्गा बनाएगा। ये छोटी सी नज्म है, वो बिल्कुल नई नज्म है। इस नज्म का उन्वान है नवादिरात की दुकान, एंटिक शॉप के लिए है कि कोई चीज़ भी अड़ा घड़ा निकाल देते हैं कि अकबर का था पानी भरते थे, है ना, ये उसके ऊपर। बोला दुकानदार के सरकार देखिए, मुगलों की आन बान के आसार देखिए, अकबर की तेग और सिपर है सलीम की, हर चीज दस्तियाब है अहदे कदीम की, गालिब का जाम मीर की टोपी का बागपन, मोमिन का लोटा हजरत सौदा का पैरहन, एड़ी गुलाब की है तो पंजा कमल का है, जूता मेरी दुकान पर हजरत महल का है, और चुटकी में मेरी दांत किसी पोपले का है, और नैकर भी दस्तियाब यहाँ डूपले का है, टोपी जो मेरे सर पर है बांके पिया की है, और चोली मेरी दुकान पर विक्टोरिया की है। लिखा हुआ है मर्सिया हाली के हाथ का, कहता है माजरा जो जुदाई की रात का, असनाए गुफ्तगू में जो एक लंगड़ा आ गया, बेसाख्ता जबान पर ये जुमला आ गया,
बे खौफ बे हिरास सरे आम तू बता, मैंने कहा कि लंगड़े के कुछ दाम तू लगा। बोला मेरी दुकान पर अब बकवास कीजिए, अहले हुनर का आप जरा पास कीजिए, अहले नजर लगाएंगे लंगड़े के दाम क्या। बोला मेरी दुकान पर लूले का काम क्या। गाहक से मैं ये बोला रकम खींच लीजियो और तैमूर लंग कह के से बेच दीजियो।